નમસ્કાર, જોઈ રહ્યા છો ટીવી 9, હું છું જગદીશ. 2019નું ત્રીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ આજે ભારતભરમાં જોવા મળશે. માગસર્વદ અમાસના દિવસે સમગ્ર ભારત સહિત 12 દેશમાં જોવા મળશે. આ સૂર્યગ્રહણમાં સૂર્ય લાલ રંગની રિંગનો આકાર લેવાનો છે, જેથી તેની કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ પણ કહેવાશે. આ સૂર્યગ્રહણ ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં જોવા મળશે. 2019માં કુલ 5 ગ્રહણ જોવા મળ્યા, જેમાંથી 3 સૂર્યગ્રહણ અને 2 ચંદ્રગ્રહણ છે. વૈજ્ઞાનિકોનું વિચારીએ તો ગ્રહણ એક ખગોળીય ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ હિન્દુ ધર્મમાં માનીએ તો ગ્રહણનું કંઈક અલગ મહત્વ છે. તો આજે સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે અને આજના દિવસે આકાશમાં એક અદ્ભુત, અલૌકિક અને ખગોળીય ઘટના જે છે તે નિર્માણ પામવાની છે. આ વર્ષનો એટલે કે 2019નો આ અંતિમ સૂર્યગ્રહણ રહેશે અને ત્રીજો સૂર્યગ્રહણ. સાયન્સ સિટીના જે વૈજ્ઞાનિક છે નરોત્તમ સાહેબ સાહુ, તેમની સાથે અમારા સંવાદદાતા દર્શન રાવલે પણ વાતચીત કરી હતી. આ તમામ ઘટનાક્રમને લઈને તેમનું શું કહેવું છે તે પણ સાંભળીએ. સૂર્યગ્રહણની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આપણી સાથે સાયન્સ સિટીના ડાયરેક્ટર અને વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર નરોત્તમ સાહુ જે છે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું કે આખરે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ આ સૂર્યગ્રહણનું કેટલું મહત્વ છે. સર, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ છે દેખે તો એ સૂર્યગ્રહણ કેટલા અહીંયા લાભદાયક હૈ યા કિસ તરહ સે આપ ઇસ તરહ એ સૂર્યગ્રહણ કો દેખતે હો? સૂર્યગ્રહણ હો ઓર ચંદ્રગ્રહણ હો, એક બહુત દુર્લભ ઘટના હોતા હૈ, ખગોલીય ઘટના હોતા હૈ. ઇસી કે લિયે ઉસી દિન કે લિયે જો રિસર્ચ કરને વાલા હૈ, જો સાયન્ટિસ્ટ હૈ, ये काफ़ी दिन से वेट करके रखा होता है, क्योंकि काफ़ी नया चीज़ इसी दिन में, इसी मुहूर्त में मैंने खोज कर का संभावना होता है. इसी के लिए इट्स ए वेरी एक्साइटिंग मोमेंट. तो हम लोग इसी के लिए सारा स्टूडेंट एंड वो साइंस लोगों को, बच्चे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इनका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि ये लोगों का काफ़ी ये मौका ले सकते हैं एंड ये जैसा इनका कैरियर बनाएंगे तो इससे अच्छा अच्छा नया चीज़ देख सकते हैं. क्योंकि इसी के कारण में आप 1919 में आइंस्टाइन इनका जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किया हुआ था, मैंने प्रूफ किया हुआ थे. इसके बाद काफ़ी अलग अलग इक्लिप्स के बाद में काफ़ी साइंटिफिक सोच होता है, खास करके सूर्य का जो गठन है, सूर्य एंड पृथ्वी का कैसे डिस्टेंस होता है, सौरमंडल है, इसके बारे में काफ़ी जो हमारा चीज़ अभी भी हमारा लिए अननोन है. सूर्य ग्रहण के दरमियान खोज भी होती है, ये हीलियम वायु की बात करें या दूसरी चीजों की बात करें, अभी ये सूर्य ग्रहण के लिए किस तरह की खोजें वैज्ञानिक करेंगे या किस तरह से जांच करेंगे, किस तरह से? सूर्य का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, कोरोनरी जो इनके अंदर में जैसे हीलियम एंड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, इसमें कैसे केमिकल का वो जो थर्मोन्यूक्लियर एक्शन होने के बाद हीट एंड टेम्परेचर पैदा होता है एंड इसके अंदर में एक एक सोलर फ्लेयर होता है, जो हम लोग जैसे कहते हैं कि जब कहीं पे एक बड़ा सा फायर का होता है, वहाँ से एक एक फायर का जो टुकड़ा होकर के वो एयर में वो जाता है, इसी तरीके का वो फ्लेयर होता है. एंड इनका क्या नेचर होता है, ऐसा कोई मैग्नेटिक की इनका नेचर हो कि नहीं है, सपोज ऐसा फ्लेयर आएंगे तो इनका कैसे अलग ग्रह एंड हमारा इवन हमारा पृथ्वी तक को इनका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कि इस तरीके का काफ़ी नया शोध होता है. इसके साथ वो सोलार के अपर में दो अलग दिन में जो जनरल टाइम में सन को देखेंगे, काफ़ी सनस्पॉट जैसे ब्लैक ब्लैक दाग दिखने होता है, तो इनका क्या नेचर होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसकी इस तरीके का काफ़ी चीज रिसर्च का टॉपिक है. सर, खनग्रह सूर्य ग्रहण एक फायर ऑफ रिंग इसमें भी दिखेगी, अहमदाबाद में किस तरह का माहौल रहेगा, दूसरी जगहों पे किस तरह का माहौल, एक साइंस सिटी में पूरा कार्यक्रम रखा गया है, इस तरह का दूसरी कोई जगह पे कार्यक्रम है कि नहीं जिससे लोग देख सके? देखिए, ये इस तरीके का जो सूर्यपराग आज हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारा आसमान बहुत क्लियर है एंड ये सूर्योदय के साथ हो रहे हैं, 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे का इतने बड़ा सूर्यपराग कभी हमारे पास अभी तक नहीं हुआ था. लगभग 57 साल के पहले ऐसा बढ़ाकर एनुलर सोलर इक्लिप्स हुआ था. तो आज का देखेंगे तो इसके लिए हम लोगों का साइंस सिटी गुजकोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के तरफ से एक बहुत बड़ा स्पेशल कैंपेन बना हुआ है. साइंस सिटी में आप देखेंगे आज लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चे लोग आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, पब्लिक आएंगे, वो सब देखेंगे. इसके साथ हम लोगों का रिवर फ्रंट साइड में भी एक पब्लिक विंग अरेंजमेंट किया है
गांधीनगर में जो सेंट्रल विस्टा गार्डन है वहाँ पे भी हमारा चल रहे हैं। हमारा जो चारों रीजनल साइंस म्यूजियम है पाटन भोज राजकोट एंड भावनगर वहाँ पे भी पहली बार वो बड़ा प्रोग्राम चल रहा है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। इसके साथ हमारा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है कम्युनिटी साइंस सेंटर है लोक विज्ञान केंद्र ये लोगों को भी हम लोग को ट्रेनिंग करके छोड़ा है एंड इनको एक्टिविटी किट दे करके रखा है। तो ये सिटी का जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ पे ऐसा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा है जहाँ पे टेलीस्कोप सोलर फिल्टर एक्टिविटी लाइव स्क्रीनिंग साइंटिफिक इंटरेक्शन काफी मैंने फन वे में ये लोग अरेंज किया है। अलग अलग लोग कहते हैं कि 296 ईयर के पहले ऐसा दुर्लभ जो सूर्य ग्रहण है वो अभी हुआ है, तो किस तरह की लोग जो बातें करते हैं उसके लिए आप किस तरह से देखते हो वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात सही है कि नहीं है? देखिए दुर्लभ तो है सूर्यपराग दुर्लभ तो है बट इस तरीके का वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जगह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है बट खास करके जैसे हमारा जो लैंड मास में होता है तो वो होता है तो इनको नजीरा होता है। सपोज अभी अक्टूबर महीने में एक बहुत बड़ा टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ था एंड वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में के लिए वो हुआ था तो हमारा हम लोगों के लिए नहीं देखा। आज यहाँ पे हो रहा है वो अमेरिका की तरफ से नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से देखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर इक्लिप्स का कुछ सिग्निफिकेंट होता है, ये अनुलर होता है एंड लंबा टाइम तक होता है एंड मेन जो पब्लिक एरिया में वो जा रहे हैं तो इसी तरीके से देखेंगे इसका बहुत महत्वपूर्ण है। बट 206 के साल का डाटा हमारे पास नहीं है अभी। आता जे साइंस सिटी ना डायरेक्टर अने वैज्ञानिक जे डॉक्टर नरोत्तम साहू के जे जणावु छे के जे प्रकारे जे सूर्यग्रहण जे छे दुर्लभ सूर्यग्रहण जे छे तेनु महत्व पण जे छे अने आज प्रकारे एक साइंटिफिक रीते एक शोध पण करवामां आवशे अने आज प्रकारे लोको आ सूर्यग्रहण ने निहाळी शके ते प्रकारनी पण व्यवस्था जे छे अलग अलग स्थळो पर करवामां आवी छे।